गोपाल मंदिर पर गुलाल से होली उत्सव मनाया गया। महंत दुर्गादास को किया गया सम्मानित। शिवपुरी डाकौर खालसा गिरनार मंदिर का होली उत्सव गोपाल मंदिर न्यू ब्लॉक पर संपन्न हुआ। इस अवसर पर अनेक मंदिरों के महंत व संतों द्वारा गोपाल मंदिर न्यू ब्लॉक शिवपुरी के महंत दुर्गादास जी को स्वर्ण श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया गया। यादव समाज के प्रांताध्यक्ष भरत सिंह यादव तथा क्षेत्रीय सरपंचों व जनप्रतिनिधियों विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के पदाधिकारियों द्वारा महंत दुर्गादास जी का सम्मान किया गया। संतों एवं भक्त समाज द्वारा गत दिनों कतिपय असामाजिक तत्वों द्वारा मंदिर हड़पने के कुत्सित प्रयासों की कठोर शब्दों में निंदा तथा महंत दुर्गादास जी को हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से महंत प्रचंडानंद सरस्वती थानापति जूना खाड़ा सचिंदानंद महाराष्ट्र महंत श्यामपुरी जटाशंकर मंदिर महंत बाल योगी बाली महाराज रतनगढ़ मानता महंत सीताराम दास सतमढ़ी महंत गिरिराज महाराज बांकलंडे वाले अशोक दास लफकुश दास हरिदास अरुण दास मनसापूर्ण मंदिर दामोदर दास कुठौर जी पंडित नंदकिशोर जैमिनी मोहन शर्मा कालीचरण महाराज राम सिंह यादव कल्याण यादव श्याम यादव हंसराज यादव नरहरि यादव रणबीर यादव शिशुपाल यादव सरपंच संजय यादव सहित सैकड़ों गोपाल जी भक्त मंडल के सदस्यों ने रंगारंग लोकगीत गुलाल से होली उत्सव मनाया। तत्पश्चात भंडारे का आनंद लेकर आयोजन का समापन किया। मंचस्थ समस्त संत समाज विद्वत समाज के चरणों में मैं अपने प्रणत पूर्वक प्रणाम करता हूँ। भगवान श्री गोपाल जी के चरणों में नमन करता हूँ, साष्टांग दंडवत करता हूँ। बैठे हुए समस्त भक्त वृंद श्रोत्र समाज के लिए मैं वंदन करता हूँ। आप सभी लोगों को मैं ये अवगत कराना चाहता हूं कि पूर्व में जो घटनाक्रम हुआ उसके साक्षी गोपाल जी हैं और उस घटनाक्रम में उसका विरोध करने के लिए मैंने अपनी प्रथम उपस्थिति दर्ज कराई। इसका सौभाग्य भी मुझे प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं गोपाल जी का और संत समाज का बहुत बहुत आभारी भी हूं। गोपाल जी के आह्वान पर आप समस्त यादव समाज एवं अन्य भक्त समाज इस पवित्र प्रांगण में होली महोत्सव समारोह में एवं श्री दुर्गादास जी महाराज की इस ताजपोशी में आप इसके साक्षी होने का अवसर आपको प्राप्त हुआ है। संत परंपरा डाकौर खालसा जिसका बार बार चर्चा में क्रम में आ रहा है, आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि संतों की जो परंपरा होती है वो डाकौर खालसा के द्वारा इस मंदिर की पूजा सेवा होती आई है, जिसके महंतों ने अपना पूरा जीवन सर्वस्व गोपाल जी के चरणों में आहूत कर दिया। ऐसे उन संत समाज डाकौर खालसा की गद्दी पर आसीन महंत श्री दुर्गादास जी महाराज जो पूर्व से ही महंत हैं उनको सम्मानित करने का आज अवसर हम लोगों को प्राप्त हुआ है। लेकिन यदि किसी गुरु परंपरा में कोई अन्य व्यक्ति प्रवेश करता है तो वो भक्तों के लिए दर्शनार्थियों के लिए आध्यात्मिक जगत के लिए बड़ा ही कष्टकारी क्षण है, क्योंकि हम लोगों की परंपरा डाकौर खालसा से जुड़ी हुई है। हम उन्हें अपने गुरु के रूप में मानते हैं। यदि हमारी गुरु परंपरा में कोई हस्तक्षेप करेगा वो हमें कदापि स्वीकार नहीं। हाथ उठा करके आप लोग बोलिए स्वीकार है या नहीं। भले ही वो कितना भी बड़ा मंडलेश्वर हो पीठाधिपति हो यदि वो सनातन धर्म के विरुद्ध यदि आवाज उठाएगा सनातन धर्म में उसे कुत्सित करने का यदि प्रयास करेगा तो उसे बिल्कुल उसकी ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। आप लोग गोपाल जी मंदिर के इस पवित्र विकास एवं मंदिर के संरक्षण में आप अपना योगदान देना चाहते हैं तो जोर से एक बार जयकारा लगाइए बोल गोपाल जी महाराज की जय। महंत दुर्गादास महाराज की जय। निश्चित आपकी आवाज उन भूमापियाओं के कानों तक जरूर पहुंच रही होगी जो कुछ सिर्फ प्रयास करके इस संपत्ति को नष्ट करना चाहते हैं। मैं आप लोगों का बहुत अपने हृदय से आभार व्यक्त भी करना चाहता हूं कि आप इस सनातन संस्कृति के संवाहक बनकर के इस कार्यक्रम में आयोजना में अपना सहयोग करने के लिए आप इस तिलमिलाती धूप में इस
पवित्र प्रांगण में बैठ करके अपना सहयोग प्रदान किया, आपके लिए पुनः मैं अपने हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। एवं दूरस्थ अंचलों से जो संत समाज इस मंच पर आसीन हुआ है, समस्त संत समाज के चरणों में प्रणति पूर्वक मैं आपको ये आश्वस्त भी कराना चाहता हूँ कि ये हमारे शिवपुरी जिले की सत्यता है, ये शिवपुरी जिले की सत्यता है जो संत समाज इस मंच पर बैठा हुआ है, क्योंकि बाकी तो सब आप लोग सब जानते ही हैं किसी के गुलाम है। जय जय सियाराम, जय सियाराम, जय जय गोपाल जी महाराज की। गोपाल